अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो ही दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर सिखा कर। कटना पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़ जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है मगर कर्म नहीं। ये अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्मों को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे पाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस ज़िंदगी में उत्साह लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे ज़िंदगी जीना नहीं ज़िंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया, और ये जान लिया कि ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय ज़रूर देगा, आपका हर परिस्थिति में
साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, निश्चित ही अच्छा होगा। इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय वहाँ भी होता है जहाँ करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपको वाह वाह करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहते हैं, मेरी उंगली टूट गई और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को कैद करके कोठरी में बंद करने का आदेश देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी कहना यही था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वो खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था, उसे लग रहा है कि मैंने उसे उसके अच्छाई के लिए कैद कर दिया है। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं।
एक दिन राजा अपने सैनिक को लेकर शिकार करने जंगल ले जाते हैं। राजा को एक हिरन दिखता है। उस हिरन का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर वो उस हिरन को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वो जंगल में खो गए हैं, तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आके राजा को घेर लेते हैं और उन लोगों को पता नहीं था कि वो एक राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले के जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तब वो देखता है कि राजा की पैर की एक उंगली कट चुकी है। इसे देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाएगी जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उस दिन उंगली न कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जल्दी मंत्री को रिहा कर दिया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और फिर पूछते हैं, मंत्री अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई तो वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, यह तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में गए इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी से कहता है कि महाराज अगर आप शिकार करने जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग मुझे मार देते क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की बात सुन के राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती है तो हम उसका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आते हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में तो सुख और दुख का आना जाना रहता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे
इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख
इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी भी किसी की तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त किया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखता नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उन्हीं का नाम कान्हा है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए,
अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब कृष्णा पर छोड़ दो। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।